होए यार, इसको फीड कराना भूल गए थे। अभी सेकेंड टाइम इसको फीड कराना था, पर थोड़ा लेट हो गया तो ये चीख रहा है। हाँ भाई यार, इतना भी नहीं है भूखा जितना चीखता है। पोटा थोड़ा सा है इसका, तो अब इसको फटाफट फीड करा देते हैं। भूखा लग रहा है ये मुझे, तो फटाफट पहले इसको फीड कराते हैं, फिर बाकी काम करेंगे। गाइज, अगर आपके पास भी इस तरह का कॉकटेल का या कोई भी पैरेट का बच्चा हो, तो पैरेट्स को फीड कराना बहुत ही ईजी होता है। ये देखिए, ये सीरिलैक है, नॉर्मल सीरिलैक जो हम आम घरों में इस्तेमाल करते हैं बच्चों के लिए। तो इस तरह हमने थोड़े से पानी के अंदर इसको मिक्स करना है। पानी देख लीजिएगा कि ठंडा ना हो, नॉर्मल हो, बिल्कुल नीम गर्म हो, गर्म ना भी हो बस नॉर्मल टाइप का पानी हो। तो ये जो है इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से, ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनाएंगे अभी, क्योंकि अभी बच्चा छोटा है। जब थोड़ा बड़ा हो जाएगा थोड़ी सी गाढ़ी कर सकते हैं फीड। आप इसको भी पतला बनाएंगे फीड को, इस तरह वक्फे वक्फे में थोड़ा डालते जाएंगे और बनाते जाएंगे फीड। देखो कैसे पड़ रहा है इसको, पाइप छोड़ दे यार, खिलाता हूँ, रुक जा भुक्कड़। तो इतना टाइम हो गया होगा तब से मैंने इसको सीरिलैक ही दिया, और इसके अलावा मैं कोई चीज़ नहीं इसको देता। सीरिलैक पे भी इसको बड़ा किया हमने। ये देखिए, इंजेक्शन भर लेना है सिंपल सा आपने, और इसको ना अपने आगे इस तरह रख लेना। ये देखिए ये, और आपने कोशिश करनी कि इसको इस साइड पर जो है ना, यानी ये आपका तो लेफ़्ट होगा, इसको लेफ़्ट साइड पर जो है ना इसका पाइप अंदर इंसर्ट करना है, क्योंकि राइट साइड पे नास सांस की नली होती है। ये देखें इस तरह से, रुको यार, देखिए ये ऐसा से जा यार, घुसाने दे। ये देखिए सिंपल सा वो घुसा लेगा, और उसके सिर को आपने नहीं पकड़ना, क्योंकि वो सिर हिलाता जाएगा तो उसको अच्छे से वो फीड को जो है अंदर लेता जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता इस तरह हमें इसको फीड करा देनी है। देखें इसका पोटा कितना अच्छा भर गया। गाइस, अपने जेरी को हमने फीड करा दिया है, तो अभी हम चलते हैं बाहर अपने बाकी परिंदों के पास, उनको देखते हैं कि वो किस कंडीशन में है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बाहर गया नहीं हूँ अभी, तो मुझे टेंशन हो रही है कि किस हालात में है वो, तो उनको देखते हैं जाके पहले। तो गाइस, कबूतरों को बाहर निकाल लेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है, सुबह से बंद है ये भी, थोड़ा घूम फिर लेंगे बाहर। दाना वगैरह सबका हो गया हुआ है, मुर्गियों को, बत्तखों को, और हमारी नई वाली डक्स भी हैं, इनको भी दाना पानी हो गया। इतनी साफ हो गई है ना जब से इधर आई हैं यार, ये पहले बड़ी गंदी थी, अब तो बिल्कुल साफ़ हो चुकी हैं। पहले जहाँ ये रहती थी ना वो पानी गंदा होता था, तो अब ये बिल्कुल यहाँ पर साफ पानी में हम इनको नहलाते हैं, तो बिल्कुल जो है क्लीन और खूबसूरत लगती हैं। देखें ना कितनी प्यारी वाइट है। तो गाइस, कबूतरों का दरवाज़ा खोला है, पर सिर्फ चकोर मियाँ बाहर आए हैं, बाकी सारे अंदर ही हैं, वो नहीं निकल रहे। ये देखिए ये वाला जोड़ा भी बड़ा कन्फर्म पेयर है, ब्रीडर पेयर है, इसने बच्चे भी दिए थे। ये जिन भाई से लिया था ना, उन भाई ने बताया कि ये वाले बड़े अच्छे पेयर हैं सेटिनेट के, जो हम लाए हैं ना अभी कल परसों, तो इंशाल्लाह ये जल्द यहाँ पर अंडे देंगे। अभी क्या मैं ऊपर देखा है कि छत पर मैं देख रहा हूँ, यहाँ पर जो है कबूतर बैठा हुआ है, शायद हमारे कबूतरों को देख के ये आया हुआ है। ये हमारा कबूतर तो नहीं है, हमारे कबूतर उड़ ही नहीं सकते यार इतना, क्योंकि उनके पर कटे हुए हैं, कुछ के एक दो हैं पर वो नहीं जाते यहाँ पर, वो हमें पता है कौन से हैं। तो ये मुझे कोई आवारा कबूतर लग रहा है, देखिए बिल्कुल ब्लैक कलर का है ये। ये देखिए यहाँ पर बैठा हुआ है इस ग्रिल के नीचे। तो यार एक काम करो, बाहर निकालो इन कबूतरों को, जल्दी इन कबूतरों को बाहर निकालो, तो वो इनको देख के शायद नीचे ही आ जाए। पता नहीं कहाँ से उड़ के आया और यहाँ पर बैठा हुआ है। मुझे तो लग रहा है कि ये सीढ़ियाँ ना, ये सीढ़ियाँ छत पे जाती हैं, वहाँ से ये नीचे आया होगा, या फिर उड़ के कहीं से आया यहाँ पर बैठा है। तो अब ये कबूतरों को निकालते हैं ताकि वो नीचे आए। यार पूरी कोशिश मैं करूँगा इसको पकड़ने की, क्योंकि मैंने इससे पहले कभी कबूतर नहीं पकड़ा, मुझे एक्सपीरियंस नहीं है कैसे पकड़ते हैं, पर हर हाल में कोशिश पूरी करूँगा इसको पकड़ने की। इसको पकड़ते हैं, सब कबूतरों को बाहर निकाल दिए,
तो हो सकता है ये इनको देख के नीचे आ जाए। यार काफ़ी देर हो गई है, अभी तक वो नीचे नहीं आ रहा, तो मैं उसको देखने के लिए थोड़ा पीछे आया हूँ। वहाँ पर वो बैठा हुआ है। तो यार एक काम करते हैं, या तो आर या पार, जाता हूँ मैं ऊपर और इसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ। अगर पकड़ा गया तो पकड़ लेंगे, नहीं तो फिर उड़ जाएगा तो चला जाएगा। भाई आ रहे हैं, बस पहुँच गए। चलो राम राम से, राम राम से। वहाँ पर बैठा हुआ है, प्यारा है। मैं इसको ऐसा ऐसा ट्राई करता हूँ पकड़ने की। चला गया। यार अच्छा खासा कबूतर था, पता नहीं किधर चला गया। नीचे से ऊपर की तरफ गया, पता नहीं किधर उड़ा। इधर तो देखते हैं। ओए ओ गाइस, यार ये अपनी छत पर ही आकर बैठे दोबारा। रुको 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 रुको, इधर 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 पीछे जाओ, पीछे जाओ। आवाज तो दे देता कि कबूतर ऊपर ही है। मैं जैसे ही मैं देखा, मैं फोन में बुलाने वाला था, पकड़ने जा रहा था। तो उड़ जाता ना फिर तेरी मैं हल्लाते तोड़ता। ये पकड़ तो, मैं इसको ट्राई करता हूँ। जाओ 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 जाओ। वही उड़ गया दोबारा। किधर गया? किधर गया? नीचे गया शायद, हमारे कबूतर के पास तो नहीं चला गया। पता नहीं, नजर नहीं आ रहा। नीचे जाके देखते हैं, नीचे चलते। चलो 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 नीचे, मैं नीचे से देखता हूँ। आ जाओ नीचे। नीचे तो नहीं नजर आ रहा मुझे। कहाँ है? पता नहीं किधर गया। चलो नीचे जाके देखते हैं। मेरा ख्याल आ गया, पहली बार कबूतर आया था, वो भी तुम्हारे हाथ में। कैसा कबूतर पकड़ोगे तुम? आओ देखते हैं। इधर इधर की बैठा होगा, मुझे लग रहा है वो नहीं सकता, उसके पर कटे हुए हैं। मुझे भी ऐसा लगा, क्योंकि यार अभी मैं नीचे आऊँ, मैं चेक करने वाला हूँ यहाँ पर। हो सकता है कि वो यहाँ पर सीधा अंदर चला गया हो, आकर देखना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर से तो सीधा नीचे की तरफ ही आया। अब पता नहीं किधर आया, वो ऊपर छत पर था वहाँ पर, वहाँ से सीधा नीचे की तरफ ही आया। ऐसा हमें नज़र आया कि सीधा नीचे आया वो, पर अब पता नहीं किधर है। यार ये पता नहीं क्या होगा, वो है तोड़ लेते हैं थोड़ा बहुत, जो है ना मुर्गियों को डालते हैं आज, बत्तखें भी खा लेंगे। देखो हम तोड़ना क्या शुरू है, फ़ौरन मुर्गियाँ सारी इस तरफ भागना आ गई, भाग कर आ गई हैं। बस काफ़ी है इतना, डक्स को खिलाता हूँ मैं, तुम मुर्गियों को दो। तो ये वाला इनको खिला के देख लेते हैं क्या खाएंगे या नहीं। आ जाओ भाई आ जाओ, डक्स ये लो। कह रहे डक्स को मैं खाते हुए बहुत कम देखा है, खाती बहुत कम है ये मेरा ख्याल है। इनके सामने चीज़ रख देते हैं, नहीं खाती। मुर्गियाँ तो सारी टूट पड़ी हैं इस पर। यार मुझे कबूतर का बड़ा दुख हो रहा है, इतना प्यारा कबूतर उड़ गया। क्या शिकारी बना, तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। उड़ जाता मेरी लात तोड़ोगे, मैं तुम्हारी लात तोड़ूंगा। यार मुझे था कि पता नहीं पकड़ लूंगा मैं, इतना मुश्किल तो नहीं लग रहा था, पर पता नहीं मैं उससे अभी करीब भी नहीं था गया, वो पहले ही उड़ गया। सब इसकी वजह से, ये मुझे टाइम पर बुला लेता ना तो उसको पकड़ लेते। तुमने उड़ाया तो, मैंने तो नहीं उड़ाया। तो गाइस अभी शाम हो चुकी है और हमने अपने सारे बर्ड्स वगैरह को बंद कर दिया है। डक्स कुछ टाइम पहले बाहर घूम रही थी, अभी इनको भी अंदर कर दिया है, तो इनको भी बंद रखेंगे। अभी शाम हो गई ना, सब वगैरह चीज़ें बंद हो जाएंगी। और यहाँ पर क्या हालात हैं, तोते सारे ठीक हैं। एक सरप्राइज दो तुम्हें। क्या? मुझे कबूतर तुमसे उड़ गया था ना, मैंने पकड़ लिया ना। कर कसम से। कहाँ है? पता है कहाँ चले गए थे? एक बार बात सुनो, इस छत पे चले गया था वो उड़ के, वो उधर गया फिर उधर से ऊपर। यार मैंने कहा था कि यहाँ से उड़ के वो या यहाँ गया या इस छत पर गया, पर इसको मैंने तब बोला था कि इस छत पर जाके देखो, इसने नहीं देखा। जब उसे पकड़ा ना तो उसे है कहाँ कहाँ, दिखाओ मुझे सारी पूंछ निकल। वो रहा नीचे, मुझे नजर आ गया काले रंग का है।
ये घुस गया। बाहर आओ बाहर आओ। ये मैंने पर भी काट दिए यार, बड़ा ही प्यारा कबूतर है ये। यही था वो जो भाग रहा था। हाँ क्यों भाग रहे थे तुम यहाँ पर? अब ये खुश रहेगा। ये मेल है फीमेल है कुछ पता है? चल यार ये तो अच्छा हो गया, पहली दफा हमने कोई कबूतर पकड़ा। नहीं नहीं मैंने पकड़ा, तुमने तो नहीं पकड़ा, तुम छोड़ तो यार हमने ही पकड़ा ना सारा। चलो मैंने भी तो मेहनत की थी पहले इसके पीछे, तो यार मुझे तो बड़ी खुशी हुई यार। मुझे बड़ा दिल पे लगी थी ये बात कि यार निकल गया इतना प्यारा कबूतर, तो फाइनली ये पकड़ा गया। और है भी बहुत ही प्यारा, देखे ना बिल्कुल ब्लैक कलर का, कलर बहुत प्यारा है इसका, शटिनेट जैसा लगता थोड़ा। तो चलो इसको भी यहीं पर रख देते हैं, ये यहाँ पर सब कबूतरों के साथ खुश रहेगा, जोड़ी लगाएगा और इंशाल्लाह अंडे बच्चे देगा ये जल्द। डक्स को और मुर्गियों को ये यहाँ पर हमने तरबूज डाला था और ये मुर्गी अभी तक खा रही है। तब से सब ने ऐसे हमला किया है, सब ये खा रही हैं। बस गाइस आज की वीडियो देखिए, होप वीडियो आपको अच्छी लगी है। वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।